मैं पिछले वीडियो में बताया था 7500 का टारगेट दिया था, 7500 का टारगेट अचीव हुआ है, बहुत बढ़िया अचीव हुआ है। मैं जब वीडियो बनाया था तब यहाँ पर था 6900 के आसपास था, यहाँ से बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है। कम से कम चार दिन में 7500 क्रॉस करके 7733 में क्लोजिंग दिया है, यानी कम से कम आपको 800 पॉइंट आपको बहुत बढ़िया मिला होगा अगर कोई होल्डिंग किया होगा तो। अभी यहाँ से क्या स्ट्रेटजी बनेगा और यहाँ से कैसे हम बजाज फाइनेंस को ट्रेन करेंगे, बजाज फाइनेंस का जो एक्सपर्ट, जो हमारा मार्केट का एक्सपर्ट मैगलन स्टैनली ने बताया था बजाज फाइनेंस को 9060 का टारगेट बनाया था, बनाएगा बोल के फ्यूचर में ये टारगेट आया है। मेरे ख्याल से ये बजाज फाइनेंस हम जो टारगेट बनाए थे 7500 ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, ये सही बात है। ये ब्रेकआउट किया 7500, अभी 7500 हो गया बिग सपोर्ट लेवल, ये तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ से अगर ये सीधा जाता है तो कम से कम 9000 इज़ द वेरी नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, बहुत बढ़िया आपको टारगेट मिल जाएगा 9000 आपको, अगर यहाँ से आप होल्डिंग करके रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस अच्छा शेयर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अभी भी होल्डिंग कर सकते हैं और आने वाला समय में ये अच्छा आपको प्रॉफिट करके देगा। तो ये रहा बजाज फाइनेंस के बारे में, बजाज फाइनेंस से ज़्यादा नहीं, आप यहाँ से भी होल्डिंग कर सकते, कोई लेट भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ से भी 1000 पॉइंट बहुत दूर है, तो ये क्वांटिटी भी लीजिए कम से कम 1000 रुपया आपका बन जाएगा। तो ये रहा स्ट्रेटजी बजाज फाइनेंस का शेयर, बजाज फाइनेंस कैसा रहा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।